जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुंजवान में आर्मी कैंप पर जो हमला हुआ था उसको लेकर एक खबर आ रही है। सेना का ऑपरेशन आपको बता दें वहां पर खत्म हो गया है। कुल 4 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू में सुंजवान कैंप में ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस आतंकी हमले में आपको बता दें 5 जवान शहीद हुए हैं। सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। आर्मी कैंप में ये ऑपरेशन चल रहा था, ये खत्म हो गया है। बीते 29 घंटों से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था। हमले में 9 लोग जख्मी हुए हैं, 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। सुंजवान आर्मी कैंप में सेना का ऑपरेशन खत्म हो गया है। 29 घंटों से यह ऑपरेशन चल रहा था। कुल 4 आतंकी मारे गए हैं। यह ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। 5 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। सुंजवान कैंप में चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। बीते 29 घंटों से यह मुठभेड़ चल रही थी। कल तड़के आर्मी कैंप पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 5 आतंकी माफ कीजिएगा 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ खत्म हो गई है। 9 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। 6 सैनिक और 3 नागरिक इसमें घायल हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ऑपरेशन खत्म हो चुका है और क्या खबर मिल रही है वहां से? हाँ बिल्कुल, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है। 4 डेड बॉडीज जो आतंकियों की हैं वो दिख गई है। जो लास्ट डेड बॉडी थी जिसको सर्च किया जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी दूर है, उसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं उसने कोई ग्रेनेड वगैरह तो नहीं लगा रखा है। लेकिन अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है। सिर्फ सर्च ऑपरेशन बाकी रह गया कि कोई और आतंकी तो कोई साथी इनका तो छिपा हुआ नहीं है कैंप में, क्योंकि बहुत बड़ा कैंप ही है, इसलिए किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है इस वक्त। और जो जैसा कि आपने बताया कि जो है 6 लोगों की मौत हुई है हमारी तरफ से, 5 सैनिक हैं और 1 उनके परिवार के सदस्य हैं, और साथ ही 9 लोग घायल हुए हैं जिसमें 6 सैनिक और 3 उनके परिवार के सदस्य हैं। जी नीरज, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जम्मू में सेना का ऑपरेशन खत्म हो गया है। मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। 1 जवान के पिता की भी इसमें मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त, 30 घंटे के बाद जम्मू में सेना का ऑपरेशन खत्म हो गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, 4 आतंकी ढेर हुए हैं। इसके अलावा 9 लोग घायल हुए हैं जिसमें 6 सैनिक हैं और 3 आम नागरिक हैं। आर्मी कैंप में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, 4 आतंकी ढेर हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जितने भी आतंकी थे वो अब ढेर हो चुके हैं, अब सिर्फ सर्च ऑपरेशन ही चलाया जा रहा है? बिल्कुल, ये अब क्योंकि शुरुआत में ही जो हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकी थे, तो अब 4 ही 3 की डेड बॉडीज पहले ही मिल गई थी। 1 जो डेड बॉडी है वो आज सुबह मिली है। उस साफ दिखाई दे रहा है कि ये टेररिस्ट है, लेकिन उसके पास अभी तक नहीं जा पाए हैं, क्योंकि उसके हो सकता है उसने अपने शरीर पर ग्रेनेड्स या कोई और एक्सप्लोजिव बांध रखा हो। उसके लिए पूरा जो सर्च ऑपरेशन जो SOPs हैं सेना की वो की जा रही है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 आतंकियों को मार दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका, क्योंकि अभी मैं वहीं पर सुजवा कैंप में ही खड़ा हुआ हूँ, इतना बड़ा एकड़ है, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये कैंप है, जहाँ पर बहुत सारे बैरिक्स हैं, घर हैं और आसपास का भी इलाका है, तो उसको पूरा सर्च किया जा रहा है सेना द्वारा। जी नीरज, ये भी खबर आ रही थी कि कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, AK-56 राइफल भी बरामद हुई थी, क्या हथियारों की भी बरामद की अभी और हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद में हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं जो आतंकी मारे गए हैं। 4 AK-56 राइफल, AK-56 राइफल है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है, वो मिले हैं। हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, एम्यूनिशन बहुत बड़ी तादाद में मिला है, राशन भी मिला है, ताकि ऐसा लगता है कि वो काफी दिन के लिए तैयारी करके आए थे कि कई दिन तक वो यहाँ पर जो है मोर्चा संभाल सके। यहाँ पर सुजबा कैंप के अंदर वो सारा सामान उनके पास से मिला है। साथ ही उनके पास जैश मोहम्मद का भी लिटरेचर और साथ ही एक झंडा भी मिला है उनके पास से, जिससे बात की पुख्ता हो जाता है कि ये 4 आतंकी जैश मोहम्मद के थे। सिर्फ और सिर्फ अब ये पता लगाना बाकी है कि ये कहाँ के हैं, क्या ये स्थानीय हैं या फिर ये बाहर से आए थे, यानी पाकिस्तान से आए थे। जी नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर एक बार फिर से दे दें, जम्मू में सेना का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 30 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। आर्मी कैंप में सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। कल सुबह 4:55 पर तड़के आर्मी कैंप पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला बोला था। इसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं, 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। जैश ए मोहम्मद के थे 4 आतंकी, भारी मात्रा में हथियार के साथ, बाकायदा राशन के साथ, एक बड़े ऑपरेशन, बड़ी साजिश के तहत ये लोग इस कैंप में घुसे थे। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 1 जवान के पिता की भी इसमें मौत हो गई है। 30 घंटे से आपको बता दें ये ऑपरेशन चल रहा था। 9 लोग इसमें जख्मी हैं,
फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 6 सैनिक और 3 नागरिक घायल हुए हैं। ऑपरेशन अब कंप्लीट हो चुका है। जैश ए मोहम्मद के ये चारों आतंकी थे जिन्हें मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन आपको बता दें चल रहा है, लेकिन मुठभेड़ खत्म हो गई है, एनकाउंटर खत्म हो गया है। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 30 घंटे से ये मुठभेड़ चल रही थी। बाकायदा हथियारों के साथ, राशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ कल 4:55 पर सुबह जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आर्मी कैंप में प्रवेश किया था। और फिलहाल आपको बता दें सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एनकाउंटर खत्म हो गया है। जैश ए मोहम्मद के चारों आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी बातें आपको बताते हैं इस खबर से जुड़ी हुई। आर्मी कैंप में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कैंप पर जब यह हमला हुआ, सुंजवा कैंप में सेना का एनकाउंटर अब खत्म हो गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 4 आतंकी इसमें ढेर हुए हैं। जैश ए मोहम्मद के हैं ये चारों आतंकी जिन्हें मार गिराया गया है। हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई है, 9 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। एक जवान के पिता की भी इसमें आपको बता दें मौत हुई है। 30 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। जैश ए मोहम्मद के चारों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इस हमले में 9 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 6 सैनिक और 3 आम नागरिक हैं। तो जम्मू में सेना का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। के शर्मा जी, इसी पर अब बात कर लेते हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे दुबई ओपेरा हाउस, हम फिर से अपने दर्शकों को वहां ले चलेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे? जी, सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह से एक परोक्ष वार जो चला रहा है, और यहाँ पर आतंकवादी भेज कर जो है वो इस तरह से एक दुर्घटना करने की कोशिश करते हैं, ये पूरी तरह से निंदनीय है। और हमारी सेना देखिए मुस्तैद है वैसे। सर, निंदनीय तो है, निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन इस पर लगाम कब लगेगी? कब होगा ये फाइनल असॉल्ट पाकिस्तान पर, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी कैंप्स? देखिए, इस पर जो हमारी सेना है काफी मुस्तैद है, और मैं समझता हूँ कि जो गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष जो है जो सीमा पार आतंकवादियों का आना था उस पर काफ़ी रोक लगा है, और हमारी सेना ने वहाँ पर सीमा पर ही बहुत से आतंकवादियों को समाप्त किया है। और अभी जब कई ऑपरेशंस होते हैं, उस ऑपरेशंस में एक दो ऑपरेशन करने में वो भी सफल हो जाते हैं, लेकिन करीब जो है 100 ऑपरेशन जो है इस तरह के जो है पहले ही उनको विफल कर दिया जाता है। और ये सेना जो है हमारे देश की, उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि देखिए सेना पर तो हमें पूरा विश्वास है। अखिलेश जी, मैं आपको शामिल करना चाहूंगी चर्चा पर। सवाल ये है कि कब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे? 5 जवान हमारे शहीद हो गए। लगभग 1 साल और मोदी जी जब तक हैं तब तक, क्योंकि 4 साल हो गए, 4 सालों में तो कुछ कर नहीं पाए। नियंत्रित करना तो छोड़िए, वो चीतियां और बदतर से बदतर होती जा रही हैं। देखिए, सेना के कार्रवाइयों पे किसी को शंका नहीं है, लेकिन सरकारें किस लिए होती हैं? युद्ध या लड़ाई ये अंतिम विकल्प होता है। पिछले 4 सालों की अगर तुलना कर लें एनडीए और यूपीए की, तो 5 गुना अंतर है सीज फायर वायलेशन का या शहीद होने का, और आतंकवादी मरने का 2 गुना। लेकिन इस सरकार का कोई ऐसा प्रयास कभी नहीं दिखा 5 सालों में कि वो गंभीर है। कभी मोदी जी इस पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर पे बहस करते, बात करते नहीं दिखते हैं। पहले बताते थे कि बीमारी बॉर्डर पर नहीं, ये दिल्ली में है। वो सही बता रहे हैं कि दिल्ली में ही बीमारी है, और वो उसको इतना आपने अभी चर्चा किया, थोड़ा समय दीजिएगा अभी विदेश का। 3 लोग हमारे पहले बोले, आपके रिपोर्टर ने बोला, प्रदीप सिंह जी बोले और शर्मा जी बोले। सर, ये बड़ी खबर आ गई ना आपके पास आ रही है। में क्या हो रहा है? एक मंदिर बन रहा है, बड़ा अच्छा होगा, सब कुछ होगा हमारे। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हम अगर ये बहस करते कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, और वहां पे इस राष्ट्र से बात हो गई है, उस राष्ट्र से बात हो गई है, आप दौड़ रहे हैं, 60 कंट्री दौड़ आए, ना आपका व्यापार बढ़ा, न कारोबार बढ़ा, न पड़ोसियों पे आपका दबाव बढ़ा, उल्टे सब कमजोर होते गए, कि रिजल्ट क्या मिल रहा है? आज आप सेना के तो कामों पे हम बहस क्यों कर रहे हैं? वो तो कर ही रही है बखूबी, उससे बेहतर कोई दुनिया में सेना नहीं है। राजनीतिक लोगों का क्या धर्म है? सिर्फ माला पहनना,
सुख सत्ता लेना, सत्ता में बैठ के वाहवाही करना, उनका कर्तव्य क्या है? कई तरीके होते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, दबाव, आर्थिक नाकेबंदी, इंटरनल डिस्टर्बेंस करिए, किसी तरह से जब अस्थिर होगा राष्ट्र, अंतिम अस्त्र वो होता है, ये सब कहीं करते हुए तो दिख नहीं रही है सरकार। ठीक है, के शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, वो विपक्ष में बैठ कर अखिलेश जी इस बात को अभी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3-3.5 वर्षों में जिस ढंग से हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया है और निश्चित तौर से उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ाया है, आप स्वयं देख रहे हैं कि अमेरिका से तमाम तरह के प्रेशर्स जो है उसके ऊपर पड़े हैं और हमने हर जो है मंच पर पाकिस्तान को आइसोलेट किया है। जहां तक ये घटना का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा कि हमारी सेना मुस्तैद है और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उसमें, और अभी भी चर्चा कर रहे थे कि के शर्मा जी दो बार हम सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर चुके हैं, क्या इलाज है पाकिस्तान का, क्या वजह है कि इस तरह के हमले होते रहते हैं? तल्खी हमें LOC पर भी मिलती है, सीज फायर तो अब उसे कहना भी गलत होगा क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ होता है और अब ऊपर से आतंकी हमले भी हो रहे हैं। नहीं, ये अभी पाकिस्तान की, देखिए जब आइसोलेट हो रहे हैं वो पूरी तरह से, अभी जो ऑपरेशन ऑल आउट चला जिस ढंग से आतंकवादियों को वहां पर चुन चुन के मारा गया, एक बौखलाहट है और उस बौखलाहट के तहत वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर भी अब हमारा पूरा ध्यान है। आपने स्वयं सेना प्रमुख का भी एक बयान सुना होगा, उन्होंने स्वयं ये कहा कि अभी जो है हम पहले सीमाओं पर केवल जो आतंकवादी आते थे केवल हम उनको रोकते थे, लेकिन अब हम जो है उनके ऊपर जो उनको प्रश्रय दे रहे हैं और पीछे लॉन्च पैड से उनको इन्फिल्ट्रेशन करा, जो सीमा पार प्रवेश कराते हैं, हम उन पैडों पर हमला कर रहे हैं और उस पर अटैक कर रहे हैं अब हम, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ये समय रहेगा, लेकिन हम हमारी सेना जो है सीमा पर सुरक्षा बल मजबूत है और वो इस तरह की कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, निश्चित तौर से वे कार्रवाई होगी। और अमांद्रा मोदी जी की विदेश नीति दिखेगी 2022 में, मोदी जी का कृषि विकास बढ़ेगा 2022 में, मोदी जी का विदेश दौरे के परिणाम दिखेंगे 2022 में, मोदी जी का नौजवानों को रोजगार मिलेगा 2022 में, ये बता रहे हैं पाकिस्तान कंट्रोल हुआ है। अरे भाई आंकड़े देख लो ना आप, 4-5 गुने बढ़े हैं, हम आंकड़ों पे समय व्यर्थ करना नहीं चाहते हैं। अखिलेश जी सबसे ज्यादा जो है सीमा पार आतंकवादियों को जो, और सबसे ज्यादा आतंकवादी जो है इस 2017 में मारे गए, आप फौजियों पे FIR लिखाते हैं, जो है फौजियों पे आप FIR लिखाते हैं, आतंकवादियों पत्थरबाज, सुनिए प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला आपके सेना पे FIR, और आंकड़ों को सही रखिए, आप गलत आंकड़े न रखिए, बस मेरा आपके राज में अरे आंकड़े मेरे पास हैं, आंकड़े मेरे पास लेटेस्ट हैं, सुनिए जी, करीब 4 साल की सरकार में 2500 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है, 400 सैनिक मरे हैं, और नहीं फिर वही आप गलत आंकड़े देने लगे, कांग्रेस के समय 461 सीज फायर वायलेशन हुआ था, सुनिए, अरे सुनिए, ये रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के पार्लियामेंट के दिए आंकड़े हैं, चार सालों में कांग्रेस के समय में 461 सीज फायर वायलेशन हुए थे और 111 जवान मरे थे, आपके हुकूमत में 400 जवान मर चुके हैं 4 साल के हुकूमत में। हम इस पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि इस पे तो आप पिछड़े ही हैं, हम बात कर रहे हैं, ये तो सरकार सेना की बात है, कम से कम मेरा एक अनुरोध होगा व्यक्तिगत रूप से आपसे, ये है ABP News, आपको रखे आगे।